हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मज़ा मैथ पर। आज का सेशन हमारा क्लास 12th के लिए होगा। ये जो सेशन है हमारा एक्सरसाइज 9.5 के लिए, जिसके हम दो सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी फर्स्ट सेशन जो हमारा था क्वेश्चन 1 से 5, और सेकंड सेशन हमने क्वेश्चन 6 से 10 किए थे। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.5 का। एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर आपको इक्वेशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है पहला तो ये, और फिर इसमें आपको बोला हुआ है कि यहाँ वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू भी 1 दी हुई है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन जो आपके पास आंसर आएगा उसके अंदर आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकालनी है, और वहाँ से आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। यानी उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक्स प्लस में वाई डी वाई इज इक्वल टू होगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस में वाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस में ऊपर हमारे पास क्या होगा एक्स माइनस वाई, अपॉन में क्या होगा नीचे एक्स प्लस में वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम इसको होमोजेनियस प्रूफ करेंगे। तो होमोजेनियस प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वहाँ से हम लोग एक्स कॉमन लेते हैं, तो माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, एक्स हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस में वाई अपॉन में एक्स, और नीचे क्या आएगा यहाँ से एक्स कॉमन लेने के बाद 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल। आपने देखा आपके पास इक्वेशन बचती है क्या कि माइनस में 1 माइनस में वाई अपॉन में एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स। यानी आपने देखा कि जो आपका जो सॉल्यूशन है पी ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आया, इसका मतलब क्या है कि जो गिवन सॉल्यूशन आपके पास ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कि माइनस 1 माइनस वाई अपॉन में एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन में एक्स। तो माइनस को अंदर लेके जाते हैं हमारे पास क्या बनेगा कि वाई बाई एक्स आगे आ जाएगा और 1 पीछे अपॉन में वाई अपॉन में एक्स प्लस में 1, ठीक है। इसको हम करते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब जब इक्वेशन हमारी होमोजेनियस प्रूफ हो चुकी है तो हम करेंगे क्या कि लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट करते इसका, तो हमारे पास क्या आएगा कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। आप जानते हो ये डिफरेंशिएशन करके आया आपके पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कि वी प्लस में एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारे पास इक्वल। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पे देखो वाई इज इक्वल टू वी एक्स आपके पास, यहाँ से क्या लिख सकते हो आप लोग कि y अपॉन में x इज इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा v। तो ये वैल्यू पुट करें हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कि v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1, ठीक है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में v है इसको राइट हैंड साइड में लेके आते हैं हम लोग, क्या बनेगा हमारे पास कि x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1, इधर क्या होगा माइनस v। इसका हम लोग एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, यानी क्या आएगा हमारे पास एलसीएम v प्लस 1 एलसीएम आएगा, यहाँ पे v माइनस 1 सोल्व करो तो क्या आएगा माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी, ठीक है। देखो तो v से v कैंसिल, क्या बचा आपके पास यहाँ पर माइनस 1 प्लस का v स्क्वायर, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे अपॉन में क्या आपके पास कि v प्लस में 1, ये आपके पास किसकी वैल्यू आती है x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो क्या करते हैं कि वेरिएबल का सेपरेट करते हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी। तो क्या लिखेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल एंड इंटीग्रेट देम, तो इनको इंटीग्रेट करते हैं बोले वो। तो सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा कि इधर जाकर लेफ्ट हैंड साइड में v प्लस 1 ऊपर हो जाएगा और v स्क्वायर प्लस 1 आपका नीचे हो जाएगा। साथ में लिखेंगे हम लोग क्या कि डी वी इज इक्वल टू नेगेटिव के इधर रखते हैं हम लोग और क्या आएगा डी एक्स अपॉन में एक्स हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, इंडिकेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, इनको अलग करते हैं, यानी क्या
कि एक बार लिखते हैं हम लोग v अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1 dv, और इसको लिखते हैं प्लस में 1 अपॉन में v स्क्वायर प्लस 1 dv, इनको हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कि माइनस का dx अपॉन में x, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो पार्ट है इसको हम लोग पुट करते हैं अपना क्या कि i1, ठीक है। i1 को सोल्व कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, क्या आएगा 2v dv इज इक्वल टू dt, और यहाँ से देखें तो v डॉट dv इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास यहाँ पर dt अपॉन में 2 आएगा। अब देखो ये वैल्यू को हम लोग i1 में पुट करते हैं, आपका i1 केस में चेंज होगा, ये हो जाएगा कि देखो v dv जो ऊपर था आपके पास ये चेंज हो जाएगा dt अपॉन 2 में dt अपॉन 2, और जो आपके पास ये 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इसमें चेंज हो 1 अपॉन टी, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में टी, ये चेंज हो गया। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और देखिए फर्दर सोल्व करें क्या आता है, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि 1 बाय 2 को हम लोग कॉन्स्टेंट करके बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि 1 अपॉन में टी डी टी प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस 1 डी टी इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पे क्या आएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। अब देखो इनका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन, 1 बाय टू आपके पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास लॉग ऑफ टी होता है, यहाँ पे क्या होगा कि लॉग ऑफ टी प्लस, आप जानते हो कि 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास कि टेन इनवर्स वी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि माइनस लॉग ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पर होगा, और साथ हम लोग कोई भी कॉन्स्टेंट, अब क्या है कि हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लिए हैं तो हम क्या करते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट मान के चलते, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर सी वन, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर हमारे पास टू है तो इस टू का एलसीएम लेते हैं हमारे पास, तो क्या आएगा सबसे पहले, और टी की वैल्यू को डालते हैं यहाँ पर साथ साथ, तो लॉग ऑफ टी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वन, वी स्क्वायर प्लस वन प्लस में टू एलसीएम जाएगा तो क्या होगा इधर टू टेन इनवर्स v इज इक्वल टू इधर भी 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस 2 log ऑफ x और प्लस का 2 c 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व करते हैं, जो माइनस 2 log x है इसको हम लोग क्या करते हैं इसमें प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं हम लोग, यानी क्या होगा हमारे पास कि log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2 tan inverse v, इधर आ गया प्लस का हो जाएगा 2 log of x, इधर क्या होगा आपके पास 2 c 1, ठीक है। तो देखो आपके पास प्रॉपर्टी होती है क्या कि log of v square plus 1 हो गए तो प्लस का 2 tan inverse v प्लस का जो 2 है ये x की पावर लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास कि log of x का square is equal to 2 c 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि log ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन आपके पास ऑलरेडी है, नहीं देखो क्या करते हैं कि आप जानते हो जो log है यहाँ पर भी log है, और log जब प्लस में होते हैं क्या होते हैं दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी क्या लगेगा यहाँ पर कि log ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन इंटू में क्या हो जाएगा बस यहाँ पर x का स्क्वायर, और प्लस में 2 tan inverse v आपके पास ऑलरेडी है इक्वल टू में क्या आपके पास 2 c 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू को डालते हैं, v की वैल्यू हमारे पास क्या थी y बाई x, तो वापस वैल्यू डालते हैं क्या मिलेगा हमें ऐसे कि log ऑफ तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में x का स्क्वायर प्लस में 2 tan inverse v की जगह डालेंगे y अपॉन में x इज इक्वल टू 2 c 1, ठीक है। इसको देखो फर्दर सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर कि log ऑफ ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स का स्क्वायर यहाँ पर ये, ठीक है, प्लस में क्या आपके पास यहाँ पर 2 tan इनवर्स वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 2 सी 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा यहाँ पर कि log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 tan इनवर्स y अपॉन में x इज इक्वल टू 2 c 1, ठीक है। अब आपके पास क्या था यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
तो आप जानते हो क्या था आपके पास यहाँ पर कि नाउ वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी थी, वन थी, और एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास यहाँ पर, वन थी। तो इनको पुट करते हैं हम लोग, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो लॉग ऑफ वाई स्क्वायर वन प्लस में वन होगा यहाँ पर, प्लस में टू टेन इनवर्स बी वाई अपॉन एक्स, यानी वन अपॉन में वन कितना होता है, वन होता है, इज इक्वल टू टू सी वन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, लॉग ऑफ टू प्लस में टू टेन इनवर्स वन। अब देखो टेन इनवर्स वन की वैल्यू कहाँ पर होती है, पाई बाई फोर पर होती है, तो ये होगा टू इंटू पाई बाई फोर इज इक्वल टू टू सी वन। ठीक है, अब देखो ये टू से ये टू पर कैंसिल, यानी यहाँ से देख के चले हम लोग तो टू सी वन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है कि टू सी वन इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस में लॉग ऑफ टू, ये हमारे पास टू सी वन की वैल्यू आती है। तो अब क्या करते हैं, जो हमारे पास ये टू सी वन की जो वैल्यू आई है इसको हम लोग इक्वेशन टू में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन टू क्या आती है हमारे पास है? कि लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होती है, यानी क्या कि लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस का टू टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टू सी वन था। तो टू सी वन की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग क्या हमारे पास कि पाई बाई टू प्लस में लॉग ऑफ टू। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से क्वेश्चन करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व किया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी डी ओ बाई एक्स निकालते हैं, इक्वेशन को होमोजेनियस प्रूफ करते हैं। यानी क्या होगा हमारे पास, देखो कि एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल में चला जाएगा हमारे पास क्या कि माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई एक्स क्या निकलेगा आपके पास, माइनस का एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा नीचे आपके पास यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होगा आपके पास डी वाई बाई एक्स निकल जाएगा। तो इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एक्स का स्क्वायर कॉमन लेते हैं ऊपर से। ठीक है, तो माइनस आपके पास एक्स का स्क्वायर कॉमन लोगे आप लोग यहाँ पर बाहर, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पर बचेगा आपके पास वाई बाई एक्स, क्योंकि एक एक्स आपको बाहर निकल जाएगा। नीचे यहाँ पर क्या आएगा कि वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट, यानी आपने देखा कि आपका इक्वेशन जो पी ऑफ वाई बाई एक्स में प्रूफ हो जाती है। इसका मतलब कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो होमोजेनियस इक्वेशन है। यानी यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या बनती है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर। और नीचे क्या आता है आपके पास, कुछ भी नहीं है नीचे, तो सिर्फ ये वैल्यू यही रह जाती है आपके पास। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं क्या इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स डिफरेंशिएट करते हैं इसका। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है कि वी प्लस में एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन वन में डालते हैं, हमें क्या मिलेगा यहाँ से देखो इक्वेशन वन में डालेंगे तो आपको डी वाई बाई एक्स की वैल्यू जगह क्या हो जाएगा आपके पास कि वी प्लस में एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस। तो आपने देखा यहाँ पर क्या था आपके पास कि y बाई एक्स था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वी हो जाएगा। अब माइनस को अंदर लेके जाते ये बन जाएगा माइनस का वी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करते हैं जो v हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, यानी क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर कि x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी, यानी कि माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर आता आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करते हैं वेरिएबल को सेपरेट करते हैं हम लोग और अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, या चाहे इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग क्या कि यहाँ से माइनस कॉमन लेके वी कॉमन ले लें हम लोग, हमें क्या बचेगा यहाँ पर टू प्लस में वी। अब लिखते हैं हम लोग क्या सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट देम। अब इनका सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इधर डी वी हमारे पास, तो डी वी के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास कि वी इंटू टू प्लस में v आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा नेगेटिव इधर रखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा कि डी एक्स अपॉन में x हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर हमारे पास क्या है कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारे पास नीचे v इंटू टू प्लस v है। तो क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसा करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब देखो कैसे कि v अपॉन टू प्लस वी को करने के लिए हम लोग नीचे रखते हैं कि v इंटू वी प्लस टू ही रखते हैं नीचे, ऊपर देखो क्या करते हैं हम लोग कि v प्लस टू कर लेते हैं एक बार और माइनस v कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास v भी आ जाएगा v प्लस टू भी आ जाएगा,
और देखो v से v कैंसिल होगा तो 2 बचेगा आपके पास, और जब 2 है यहाँ पर तो क्या करते हैं हम लोग, जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड, यानी कि बाहर कर लेते हैं हम लोग 1/2, ठीक है, इक्वल माइनस का dx अपॉन में x, ठीक है। अब देखो क्या है कि 1/2 तो आपके पास है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इन वेरिएबल को अलग अलग चेंज करते हैं हम लोग, क्या कि यहाँ पर क्या होगा v प्लस 2 अपॉन में v इंटू वी प्लस 2 होगा यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर क्या होगा माइनस v अपॉन v इंटू वी प्लस 2 होगा, साथ में यहाँ पर क्या आपके पास dv और यहाँ पर भी dv इज इक्वल टू क्या होगा माइनस dx अपॉन में x। अब देखो यहाँ पर क्या कि v प्लस 2 से v प्लस 2 कैंसिल और v से v, क्या बचा आपके पास इधर 1/2 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर बचेगा क्या 1/v माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1/v प्लस 2 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन में। अब देखो इनका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, 1/2 कॉन्स्टेंट होगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा आपका इसका कि log ऑफ v माइनस इसका क्या होगा कि log ऑफ v प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा कि माइनस log ऑफ x, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म को log ऑफ c लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, आप यहाँ पर एक बार सोच रहे होंगे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने वहाँ पे सिर्फ C1 लिया था, कोई कॉन्स्टेंट टर्म हमने लॉग नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ पे देखो हमारे पास क्या था जो टेन इनवर्स था वो लॉग में नहीं था इसलिए हमने लिया था, और यहाँ पे देखो सभी टर्म हमारे पास लॉग में है तो इसलिए हमने सी को भी लॉग में लिया है, ठीक है। अब देखो क्या है, आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो क्या होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है लॉग ऑफ ए बाई बी, यानी ये चेंज हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ वी अपॉन वी प्लस 2 में, इक्वल में इधर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ सी अपॉन एक्स में, क्योंकि एक्स माइनस में इस वक्त, ठीक है। अब जो ये 1/2 है इसको क्या करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में लेके आते हैं, इस 1/2 को राइट हैंड साइड में लेके आते हैं, हमारे पास क्या बनेगा देखो कि लॉग ऑफ वी अपॉन वी प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा इधर, ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 लॉग ऑफ सी बाई एक्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लॉग की होती है कि जो भी लॉग के आगे होता है उसको पावर लग जाता है, यानी क्या होगा यहाँ पर देखो कि लॉग ऑफ वी अपॉन वी प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा कि लॉग ऑफ सी बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लॉग कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास कि वी अपॉन वी प्लस 2 इज इक्वल टू सी बाई एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारे पास v की वैल्यू थी क्या थी y बाई एक्स, इसको पुट करते हैं, यानी क्या आएगा यहाँ पर कि y अपॉन में x होल डिवाइडेड बाई y अपॉन में x प्लस में 2 इज इक्वल टू c बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो राइट हैंड साइड में इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, ऊपर तो y बाई एक्स सेम रहेगा हमारे पास, नीचे क्या आएगा x एलसीएम होगा, तो ऊपर क्या बनेगा y प्लस में 2x इज इक्वल टू सी बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखो x से आपका x कैंसिल हुआ क्या बचेगा आपके पास देखो, और यहाँ पर जो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी ये क्या बन जाएगा आपके पास कि सी स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, क्या बचेगा कि x स्क्वायर इंटू में y हो जाएगा, नीचे आपके पास हो जाएगा y प्लस में 2x इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या था यहाँ पर कि नाउ y की वैल्यू 1 थी और x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 1 थी, तो दोनों वैल्यूज को डालते हैं हम लोग, तो क्या आएगा ऊपर 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आता है आपका यहाँ पर देखें तो 1 अपॉन में 3, ठीक है। अब जो सी स्क्वायर की वैल्यू आई है देखो, इस वाली वैल्यू को हम लोग हमारे पास जो इक्वेशन आई थी लास्ट में सोल्व कर कौन सी वाली ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं हम लोग, तो इस इक्वेशन में इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या मिलता है यहाँ से कि x का स्क्वायर y अपॉन में y प्लस में 2x इज इक्वल टू सी स्क्वायर था, यानी सी स्क्वायर वैल्यू कितनी है 1/3 है, हमने 1/3 वैल्यू पुट की थी। अब देखो क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या बनेगा आपका कि 3x का स्क्वायर y इज इक्वल टू y प्लस में 2x, ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का, यानी ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ से हम लोग डी ओ बाई डी एक्स को निकालते हैं, यानी कैसे सोल्व करेंगे इसको देखो कि एक्स डी वाई को इधर रखते हैं हम लोग, इक्वल में लेके जाते हैं क्या कि माइनस हो जाएगा, यानी और एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा आपका डी एक्स होगा,
तो ऐसे क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस को अंदर लेके जाते क्या होगा हमारे पास, वाई आगे आ जाएगा, यानी वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स, और अपॉन में क्या आएगा इसके नीचे यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है। अब हमें होमोजेनिटी देखनी, इसकी होमोजेनिटी देखने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग एक्स कॉमन लेते हैं, यानी एक्स कॉमन लेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, कि वाई अपॉन में एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये कैंसिल हुआ, यानी आपके पास देखो तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आती है यहाँ पर, वाई अपॉन में एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स, यानी आप देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पी ऑफ वाई बाई एक्स में आता है, इसका मतलब आपका जो गिवन इक्वेशन है कैसी होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आप देखो कैसे, यानी जो हमारे पास ये इक्वेशन आती है इसको हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन नंबर वन, और देखो क्या कि लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा आपका, इसकी डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस में एक्स इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स होता है। इन वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन वन में डालेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा देखो यहाँ से, कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स की हम वैल्यू डाल रहे हैं, यानी क्या मिलेगा हमें ऐसे कि वी प्लस में एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल आपको क्या मिलता है ऐसे, यानी वाई बाई एक्स। अब देखो वाई इजिकल टू वी एक्स है तो ऐसे क्या मिलेगा कि वाई अपॉन में एक्स इजिकल टू वी मिलेगा यहाँ से, तो ये वैल्यू डालेंगे यानी वाई बाई एक्स आपको बस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वी मिलेगा, तो क्या होगा देखो कि वी माइनस में साइन स्क्वायर वी आपको यहाँ से मिलता है, साइन स्क्वायर वी, तो देखो वी से आपका वी कैंसिल हो जाता है, यानी क्या बचता है आपके पास यहाँ पर कि x प्लस में डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचता है, माइनस साइन स्क्वायर वी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं यहाँ से और अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा नीचे आ जाएगा ये, यानी कि वन अपॉन में साइन स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स। अब हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर वी क्या होता है आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर वी, यानी ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हमारे, इनका करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन और यहाँ पर इंटीग्रेशन। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट ऑफ वी होता है, इक्वल में क्या आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस लोग ऑफ एक्स। अब देखो जो सी को लेते हैं हम लोग में लेते रहो भी माइनस में, माइनस में क्योंकि सभी चीज़ें हमारे पास माइनस है इसलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस कोट ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस, हमने यहाँ से कॉमन लिया लोग ऑफ एक्स प्लस में लोग ऑफ सी हो जाएगा यहाँ से, तो को माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कोट ऑफ वी इज इक्वल टू, देखो ये दोनों प्लस है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, लोग ऑफ सी एक्स बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हमारे पास वी की वैल्यू क्या थी, हमारे पास वाई अपॉन में एक्स थी, वैल्यू को वापस डालते हैं, यानी कि कोट ऑफ वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू लोग ऑफ सी एक्स, ठीक है। अब डालो, अब यहाँ पे क्या है कि नाउ वाई इज इक्वल टू हमारे पास पाई बाय फोर था व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, वैल्यू डालते हैं क्या मिलेगा हमें ऐसे कि वाई की जगह पाई बाय फोर अपॉन वन क्या होता है, पाई बाय फोर होता है इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू वन, तो लोग ऑफ सी होगा सिर्फ, तो कोट की वैल्यू पाई बाय फोर पे क्या होती है, वन होती है, यानी वन इज इक्वल टू लोग ऑफ सी, ये हमें मिलता है ऐसे, तो सी की यदि एंटी लोग लेते तो सी इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, ई रेज टू पावर वन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ई मिलता है हमें, मिलता है। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू को देखो यहाँ इसको हम लोग इक्वेशन टू मानते हैं, तो सी की वैल्यू को हम लोग अपना इक्वेशन टू में डालेंगे, तो वो क्या मिलता है हमें ऐसे कि कोट ऑफ वाई बाई एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, इक्वल में हमारे पास क्या है कि लोग ऑफ सी एक्स, सी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पर ई एक्सपोनेंशियल यानी कि ई आया है, तो क्या लिखोगे लोग ऑफ ई एक्स लिखोगे यहाँ पर, तो आपके पास ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा गिवन क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो डी वाई डी एक्स सिंपली निकल जाएगा आपको यहाँ से क्या कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल होगा आपके पास क्या वाई बाई एक्स, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, और कोसिकेंट जो आपके पास ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर वाई बाई एक्स। तो गिवन क्वेश्चन आप देख सकते हो सिंपली आपको पी ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में दे रखा, तो गिवन क्वेश्चन आपको होमोजेनिटीज में ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इसमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करते हैं देखो आपको इक्वेशन इसको वन मानते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास क्या है कि लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका,
यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल हमारे पास क्या आता है कि वी प्लस में एक्स इंटू में डी वी अपॉन में डी एक्स, ये हमारे पास आता है। ठीक है, अब क्या है कि इन वैल्यूज को हम लोग अपना इक्वेशन वन में डालेंगे, यानी क्या मिलेगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के हमारे पास जगह हमारे पास वैल्यू है कि वी प्लस में एक्स इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में वाई बाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा बस वी हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास कोसिकेंट वी। ठीक है, तो वी से वी कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर कि x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट वी, ये आपके पास बचता है। ठीक है, अब क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखो इधर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में माइनस कोसिकेंट वी डी वी इज इक्वल टू इधर हो जाएगा कि डी एक्स अपॉन में एक्स, माइनस कोसिकेंट को लिख सकते हैं हम लोग क्या कि माइनस साइन वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स। अब इसका करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, आप सोच रहे हो कि हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस साइन वी का इंटीग्रेशन प्लस का कोस वी होता है तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कोस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स का जो यहाँ पे है इसका इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पर क्या आएगा लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और साथ में जो कॉन्स्टेंट टर्म आएगी उसको भी हम लॉग में लेके चलते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास लॉग ऑफ सी, तो दोनों प्लस है, दोनों प्लस है आपके पास क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपके पास लॉग ऑफ सी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि वी हमारे पास यहाँ पर क्या था, वी की वैल्यू हमारे पास थी वाई बाई एक्स, तो वापस पुट करते हैं इसको, यानी कोस ऑफ वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा यहाँ पर कि लॉग ऑफ सी एक्स आता है। अब हमारे पास क्या आता है कि इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर दो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर था कि नाउ वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जीरो थी व्हेन एक्स की वैल्यू जब हमारे पास यहाँ पर वन थी, तो इस वैल्यू को डालते हैं, देखो आपके पास जो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर टू क्या बनेगी कि कोस ऑफ जीरो वाई की वैल्यू जीरो अपॉन में वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पर बन जाएगा आपके पास सी। ठीक है, तो लॉग ऑफ जीरो यानी क्या होता है जीरो होता है, कोस की वैल्यू जीरो पर क्या होती है वन होती है, यानी वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, यहाँ से सी की वैल्यू निकालते हमारे पास क्या आएगा ई रेज टू पावर वन, यानी कि सी पर सिर्फ ई, तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आई है इसी की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग अपने इक्वेशन नंबर दो में डालते हैं, तो इक्वेशन नंबर दो में डालेंगे तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या बनेगा यानी कि कोस ऑफ वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू ये लॉग ऑफ सी की जगह डालेंगे हम लोग ई, यानी ये बन जाएगा हमारे पास ई एक्स, तो यानी ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा गिवन क्वेश्चन का। तो गाइज आज के सेशन में हम लोग 11 से सिर्फ 14 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन करेंगे जो उसमें हम लोग 15 से 17 इसमें 17 क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो सभी क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आपको इस क्वेश्चन में किसी वीडियो में या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई चीज़ चैप्टर पर वीडियो बनाऊँ प्लीज़ उसको भी कमेंट करके मुझे बताएं।